सबसे पहले तो अपने सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगी और उसी के साथ साथ अपनी पूरी हमसे बढ़कर कौन की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आज हम लोगों की फिल्म का मुहूर्त है जिसके प्रोड्यूसर हैं धीरज जी, प्रेजेंटर हैं मुन्ना लाल शाह जी और डायरेक्टर हैं इकबाल बख्शी। तो सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और जी हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग एक फिल्म स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमसे बढ़कर कौन, और जैसा कि आप टाइटल सुन सकते हैं कि हमसे बढ़कर कौन, तो जी हाँ, इस फिल्म में आपको मतलब कोई किसी से कम नज़र नहीं आने वाला है, सब एक से बढ़कर एक नज़र आने वाले हैं और बहुत ही धमाल होने वाला है और दर्शकों को बहुत ही इस फिल्म में डिफरेंट गुंजन पंत नज़र आने वाली है। जी हाँ, इकबाल बख्शी के साथ मैंने ऑलरेडी एक फिल्म की हुई है और मैं कहना चाहूँगी कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत ही काबिल डायरेक्टर हैं और टेक्निकली ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बढ़िया उनका काम है। म्यूज़िक सेंस की बात करें या हम उनके जो भी जिस तरह से वो शॉट्स लेते हैं और जितनी शिद्दत के साथ वो मूवी एक एक चीज़ में जिस तरह से वो ध्यान देते हैं, तो उसके वाकई वो काबिल तारीफ़ है और मुझे तो बहुत ही खुशी है कि मैं उनके साथ एक बार फिर से काम कर रही हूँ। और हाँ, खासकर इकबाल बख्शी के म्यूज़िक सेंस की मैं लिटरली फ़ैन हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत ही वो और एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने कई बार डायरेक्टर को देखा है कि वो ऐसे होते हैं कि जब फिल्म फाइनल हो जाती है, हीरोइंस के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फाइनल हो जाते हैं, तो वो इतना कंसर्न नहीं रहते, उनको ऐसा होता है कि ओके वो लोग काम करेंगे, लेकिन हमारे डायरेक्टर जो हैं उन्होंने एक एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने हर लड़की का क्या लुक होने वाला है, क्या किस तरह से हीरो का लुक होने वाला है, फिल्म में विलेन का लुक क्या होने वाला है, हर किसी के लुक को बहुत ध्यान रखा और एक एक चीज़ डिस्कस करी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उनके साथ वापस से काम कर रही हूँ। जी हाँ, अमरीश जी के साथ मैं पहली बार काम करने जा रही हूँ, हालाँकि उन्होंने की हुई हैं कुछ फिल्म्स और मुझे लगता है जितना मैंने उनका कुछ ट्रेलर वगैरह देखे तो मुझे बहुत पसंद आया, मुझे लगा कि वाकई बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं वो और मज़ा आएगा मुझे लगता है उनके साथ काम करके, क्योंकि फर्स्ट टाइम काम करने जा रही हूँ और अभी तक एक भी शॉट हमारा हुआ नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मुहूर्त है तो बहुत अभी काम करा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा काम करके उनके साथ भी। बात करें जो फिल्म के निर्माता हैं धीरज जी, पहली बार फिल्म ला रहे हैं। जी हाँ, तो ये दो जोड़ी आई है इनके। हाँ, इनका तो मैं सबसे पहले बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगी हमारे भोजपुरी परिवार में, जो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है ये एक परिवार है और इस परिवार में इन लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जब मुन्ना जी से फर्स्ट टाइम मिली ऑफिस में, मुझे बहुत अच्छा उनका नेचर लगा, बड़े हंसमुख, और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि बनारस से बिलोंग करते हैं ये बेसिकली, और कोलकाता भी इनका काफ़ी कनेक्शन है कोलकाता से भी, तो जो भी बातचीत हुई बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि वाकई एक सिंपल से इंसान हैं और अच्छे लोग जब हमारी इंडस्ट्री में आते हैं बहुत खुशी होती है, और मुन्ना जी उनमें से ही एक हैं। और रही बात धीरज जी की, तो धीरज जी भी बहुत ही स्वीट हैं, उनके साथ मैं जब भी बैठी एक दो बार, ज़्यादा तो नहीं बैठ पाई, अभी बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई, अभी पूरी फिल्म बाकी है, मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक जितनी भी बातें हुई खूब हंसते हुए और बड़े सुलझे हुए दिमाग के लगे और मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे लग रहा है कि आगे भी खूब सेट पे धमाल ही होगा, क्योंकि इतनी सारी, सबसे बड़ी बात इस फिल्म में 6 हीरोइंस हैं, रानी चटर्जी जी, अंजना, मैं हूँ, अनारा गुप्ता, स्वीटी छाबरा एंड अपूर्वा बेट हैं, तो इतनी सारी हीरोइंस हैं तो। और एक और चीज़, हमारी फिल्म से ये जो कन्फ्यूजन लोगों को है, लोगों को ऐसा लगता है कि जब इतनी सारी हीरोइंस होती हैं तो बहुत टेंशन होता है, क्योंकि मुझसे कई लोग इस तरीके के, जैसे ही पता चला कि मैंने इस फिल्म को साइन किया, मुझसे कई लोगों ने ऐसे सवाल करे कि अरे इतनी सारी हीरोइंस, आप तो सोलो फिल्म करती हैं तो अब तो बहुत टेंशन होगा। मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब हीरोइंस बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और हम लोग बहुत, मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके की पिकनिक होने वाली है, काम के साथ साथ हम लोग खूब धमाल करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, खूब गॉसिपिंग होगी, जहाँ लड़कियाँ हैं वहाँ गॉसिपिंग तो होनी है, तो खूब गप्पे होंगे, लेकिन हंसते हंसते हमारा काम निकलेगा। थैंक यू सो मच।